हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैं दोपहर में गलत लाने वाला था। आज करंट अफेयर्स बस लेट हो गया फ्रेंड्स, रात हो गया है। पर फ्रेंड्स, मैं सोचा आज इसको कंप्लीट ही कर दूँ, क्योंकि एक दिन लेट होगा तो डेली लेट होते रहेगा, तो इसको रात में ही कंप्लीट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसको अभी अपलोड कर दे रहा हूँ 10:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो आज मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ, टाइम नहीं लूँगा, ऑलरेडी टाइम लेट हो चुका है। तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, हमेशा कर राष्ट्रीय समाचार से स्टार्ट करेंगे। डेली करंट अफेयर्स 11 अप्रैल 2020। राष्ट्रीय समाचार। पहला, भारत सरकार ने की कोविड-19 से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा। केंद्र सरकार ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि देने का ऐलान किया है। मिशन मोड के तहत इस स्वीकृत धनराशि का उपयोग तत्काल कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए 7774 करोड़ रुपए और बाकी मध्यम अवधि 1 से 4 साल में सहयोग के लिए दिया जाएगा। इन कदमों और पहलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया जाएगा। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, सभी को मालूम होगा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं। ADB ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $2.2 बिलियन की सहायता का दिया आश्वासन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए $2.2 बिलियन, लगभग 16,500 करोड़ रुपए का सहयोग पैकेज देने की प्रतिबद्धता जताई। ADB ने स्वास्थ्य क्षेत्र को तत्काल सहायता देने और गरीबों पर महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए $2.2 बिलियन की राशि देने का आश्वासन दिया। इन क्षेत्रों में असंगठित मजदूर, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। ADB के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा। ADB का गठन 19 दिसंबर 1966। ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। ADB की सदस्यता में 68 देश हैं। ठीक है, राय समाचार। दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड किया शुरू। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली के लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए 21 कोरोना प्रभावित इलाकों में लागू किया जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्णता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। समझौता। IIL ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के साथ की साझेदारी। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है। IIL और ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मिलकर नवीनतम कोडन डी ऑप्टिमाइजेशन तकनीक का उपयोग करके लाइव एटेन्यूड SARS-CoV-2 वैक्सीन या कोविड-19 वैक्सीन विकसित करेंगे। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL की स्थापना 1982। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL का अध्यक्ष दिलीप रथ। नेक्स्ट कहते हैं, HUL ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए यूनिसेफ के साथ मिलाया हाथ। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने के भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ नागरिकों को जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जनसंचार अभियान शुरू करना है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिटा H4। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP घटकर 4.8% रहने का लगाया अनुमान। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशिया और प्रशांत पर आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण UN इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक ESCAP रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP का अनुमान 4.8% आंका है। साथ ही यह भी चेताया है कि कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था पर गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ने की भी उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट का शीर्षक इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक स्कैप 2020 सस्टेनेबल इकोनॉमीज है। उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्णता थे। 1948 से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राज्य के महासचिव हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा एंटोनियो गुटेरेस काफ़ी फेमस है। अब नियुक्तियाँ देख रहे थे फ्रेंड्स। अनामिका रॉय राष्ट्रवर होंगी इफ्को टोक्यो की नई MD और CEO। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अनामिका रॉय राष्ट्रवर को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह वरेंद्र सिन्हा का पदभार संभालेंगी जो पिछले 3 साल से कंपनी की कमान संभाले हुए थे। अनामिका रॉय राष्ट्रवर इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO का कार्यभार संभालने के बाद भारत में बड़ी निजी क्षेत्र की जनरल बीमा कंपनी की पहली MD और CEO होंगी। तो याद रखें फ्रेंड्स, पहली महिला हैं। ठीक है, पहली महिला MD और CEO होंगी किसकी, भारत में बड़ी निजी क्षेत्र की जनरल बीमा कंपनी की। अब देखते हैं फ्रेंड्स, पुस्तकें एवं लेखक।
पुलित्जर पुरस्कार विजेता मैरी जॉर्डन ने मेलानिया ट्रंप पर लिखी किताब। वाशिंगटन पोस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पुलित्जर प्राइज विनिंग अमेरिकी रिपोर्टर मैरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप नामक एक पुस्तक का लेखन किया है। इस पुस्तक को साइमन एंड सुस्टर द्वारा प्रकाशित किया गया और जिसका विमोचन 16 जून 2020 को किया जाना है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, मैरी जॉर्डन इसके राइटर हैं। जो भी बुक लिखा गया मेलानिया ट्रंप, याद याद रखना है कि मेलानिया ट्रंप का नाम याद रखना है और राइटर कौन, मैरी जॉर्डन। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी। SCTI MST निचित्र एक्रीलो शर्ब सेक्रेशन सॉलिडिफिकेशन सिस्टम किया डिज़ाइन। श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTI MST के वैज्ञानिकों ने चित्र एक्रीलो शर्ब सेक्रेशन सॉलिडिफिकेशन सिस्टम नामक एक बेहद प्रभावी सुपर एब्सॉर्बेंट सामग्री का डिज़ाइन एवं विकास किया है। श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTI MST भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान है। गूगल ने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किया लॉन्च। नेक्स्ट फ्रेंड्स, गूगल ने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किया लॉन्च। अब इसमें देखते हैं क्या फ्रेंड्स, गूगल ने कम दिखाई देने या अंधेपन से ग्रस्त एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह नया कीबोर्ड इन लोगों को बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के फ़ोन पर टाइप करने में मदद करेगा। इस कीबोर्ड में एक स्टैंडर्ड 6 की लेआउट का उपयोग किया गया है जिसमें प्रत्येक की 6 ब्रेल डॉट्स का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे टाइप करने पर कोई भी 6 अक्षर या प्रतीक बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण दिन देख सकते हैं फ्रेंड्स, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व स्तर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलेबोरेशंस है। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स, उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आयुर्वेद रोग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्री श्रीपाद येशो नाइक। अब देख लेते फ्रेंड्स लास्ट में निधन। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हजारीलाल रघुवंशी का निधन। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हजारीलाल रघुवंशी का निधन। वह होशंगाबाद की शिवानी मालवा विधानसभा से 6 बार विधायक चुने गए और राज्य में कांग्रेस की अगुवाई वाली विभिन्न सरकारों में मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट, अमेरिकी लोक गायक जॉन प्राइन का निधन। अमेरिकी लोक गायक जॉन प्राइन का COVID-19 कारण निधन। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फोल्क एल्बम द मिसिंग ईयर्स 1991 और फेयर एंड स्क्वायर 2005 के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। अब देखते हैं फ्रेंड्स विविध पुरस्कार। मानव संसाधन मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक अभियान शुरू किया। ये अभियान क्राउडसोर्सिंग ऑफ आइडियाज़ के जरिए देश के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाने के लिए किया गया है। इस अभियान के लिए समाधान और सुझाव भारत पढ़े online.mhrd@gmail.com और ट्विटर पर मिल जाएगा आपको। मतलब समाधान पूरा लिखा है फ्रेंड्स, कट गया टाइपिंग एरर है। तो इसका जो है समाधान और सुझाव आप यहाँ पर दे भी सकते हैं, ये आपको फिर मिल भी जाएगा यहाँ से भारत पढ़े ऑनलाइन। जो भी आपको समाधान है सुझाव देना है आप इस पे दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स आज बहुत जल्दबाजी में कराया हूँ, कुछ मैंने गलत भी बोल दिया जल्दबाजी में, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे कल वाला कवर करना था। तो फ्रेंड्स अब कल से फिर से रेगुलर अपने टाइम पे हो जाएगा, 12 तारीख वाला 12 तारीख को मिल जाएगा, 13 तारीख वाला 13 तारीख को। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।